नमस्कार, राधे राधे मेरे प्यारे छात्रों। तो जैसा कि हम लोग भारतीय संविधान के अंतर्गत शुरुआती दौर में चल रहे हैं, और शुरुआती दौर में हम लोगों ने कई सारे चैप्टर के अंदर हमने अध्ययन किया, उन संबंधित कुछ प्रश्नोत्तरी को भी देखा कि क्या हम लोग कितना सीख पा रहे हैं, ये सारी एनालिसिस करते हुए हम चल रहे हैं आगे। और पिछली क्लास में हम लोगों ने भारतीय संविधान के भाग दो यानी कि नागरिकता संबंधी, सिटीजनशिप संबंधी जो प्रावधान थे वो सारे प्रावधान पढ़े, यानी भारतीय संविधान में प्रस्तावना का उल्लेख क्या है। फिर भारतीय संविधान के अंदर हम लोगों ने देखा नागरिकता क्या है, नागरिकता संबंधी प्रावधान देखे, फिर वर्तमान में उसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट से भी उन्हें जोड़ा गया। दोस्तों मैं यहां उल्लेख करूं कि हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि जो संवैधानिक विकास की प्रक्रिया है, इस संवैधानिक विकास की प्रक्रिया के बारे में पढ़ा कि संविधान की विकास की जो प्रक्रिया वो कैसे स्टार्ट हुई थी। इसके बाद दोस्तों हम लोगों ने अध्ययन किया संविधान सभा के बारे में कि संविधान सभा का गठन कैसे किया गया और उसके द्वारा संविधान का निर्माण कैसे किया गया। फिर दोस्तों हमने बात करी थी भारतीय संविधान की आत्मा यानी कि प्रस्तावना के बारे में। फिर दोस्तों हमने पढ़ा था संविधान के अंदर प्रमुख उल्लेखित अनुसूचियों के बारे में। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों इसके बाद हम लोगों ने अपने भारतीय संविधान के स्रोत देखे थे कि किस देश से हमने कौन कौन सी बातें ली है। इसके बाद हमने संविधान का भाग फर्स्ट पढ़ा था जिसमें आर्टिकल 1 से लेकर 4 का अध्ययन किया। इसके बाद हमने भाग सेकंड पढ़ा था जिसके अंदर हम लोगों ने दोस्तों आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक की बात की, यानी कि ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं अभी तक, इनसे संबंधित सारी अध्ययन हम कर चुके हैं। इसमें हम लोगों ने 1-2 टॉपिक ऐसे जिनसे संबंधित हम क्वेश्चन भी आंसर लगा चुके हैं, प्रश्नोत्तरी भी कर चुके हैं। दोस्तों इसके बाद न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे आज हम लोग, और नया चैप्टर जो होगा उसका नाम क्या है, नया चैप्टर होगा भारतीय संविधान का भाग 3। यानी भाग 3 के अंदर हम लोग देखेंगे मौलिक अधिकार। आज का हमारा चैप्टर जो है दोस्तों वो है मौलिक अधिकार, इंग्लिश में कहते हैं इन्हें फंडामेंटल राइट्स। आज हम लोग फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार पढ़ने वाले कि भारतीय संविधान के अंदर भाग 3 के अंदर जो मौलिक अधिकारों का उल्लेख है उससे संबंधित क्या प्रावधान है, किस प्रकार से वो दिए गए हैं, क्या प्रकृति है, ये सारी डिटेल्स हम पढ़ने वाले हैं। दोस्तों नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार यहां 2 शब्द है, एक मौलिक है और एक क्या है, अधिकार। यानी कि ये किसी भी व्यक्ति के लिए जिसमें नागरिक और गैर नागरिक दोनों हो सकते हैं, उस व्यक्ति के जीवन संबंधित जो संविधान के अंदर अधिकार दिए गए हैं विशेष रूप से उन्हें हम लोग मौलिक अधिकार के नाम से जानते हैं। इनका उल्लेख संविधान के अंतर्गत किया गया है। अगर हम बात करें दोस्तों कि संविधान में इनका क्या प्रावधान है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो मौलिक अधिकार है, इन मौलिक अधिकारों का सबसे पहले देखें संवैधानिक प्रावधान कि संवैधानिक इनका प्रावधान क्या है। तो संवैधानिक प्रावधान में सबसे पहले दोस्तों याद रखेंगे कि भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत इन मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। दूसरी बात करें भाग 3 के अंदर अगर आर्टिकल्स देखें दोस्तों तो यहां पे अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक का उल्लेख जो है वो मौलिक अधिकार आपके किससे संबंधित है, मौलिक अधिकार से। यानी आर्टिकल 12 से स्टार्टिंग करेंगे, 11 तक पढ़ चुके हैं, और 35 तक जो आर्टिकल्स है हमारे 24 आर्टिकल, वो सारे आर्टिकल्स आपके देखेंगे कि वो सारे आर्टिकल्स किससे संबंधित हैं, तो वो सारे मौलिक अधिकारों से संबंधित आर्टिकल्स हैं। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें कि मौलिक अधिकार जो है, ये मौलिक अधिकार किसके लिए प्रदान किए गए हैं, तो पहले भी पढ़ चुके हैं मौलिक अधिकार नागरिकों को भी हैं और गैर नागरिक। यानी कुछ मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो कि नागरिक और गैर नागरिक दोनों को मिले हुए हैं,
और कुछ मौलिक अधिकार दोस्तों ऐसे भी हैं जो केवल और केवल नागरिकों के लिए, यानी जो व्यक्ति भारतीय है कुछ विशेष रूप से उनको भी दिए गए हैं। पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं जब हमने सिटीजनशिप पढ़ी थी वहां पे, लेकिन फिर से मैं इसका एक बार रिवीजन करा देता हूं क्योंकि अभी हम मौलिक अधिकार पढ़ रहे हैं। इसलिए ऐसे कौन कौन से अनुच्छेद हैं, सबसे पहले अगर बात करेंगे दोस्तों अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30, ये वो मौलिक अधिकार हैं जो किसी विदेशी व्यक्ति को प्राप्त नहीं है। यानी इन पांच मौलिक अधिकारों का अगर फायदा उठाना है तो उसका फायदा उठाने के लिए आपको भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है। अगर कभी पूछ लेता है कि कितने मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही दिए गए हैं तो आप बताएंगे 5, बाकी के टोटल मौलिक अधिकार जो हैं वो नागरिकों के साथ साथ गैर नागरिकों को भी प्रावधान किए गए हैं। तो दोस्तों हमने देखा संवैधानिक प्रावधान क्या है, तो भाग 3 के अंदर अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक जो मौलिक अधिकार हैं उनका उल्लेख किया गया है। इसके अंदर हम लोग देखें कि जो मौलिक अधिकार है फंडामेंटल राइट्स हैं दोस्तों, इनका हम इतिहास की बात करें, अगर इनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें, यानी कि इनका ऐतिहासिक बात कर ले रहे हैं कि इनका इतिहास क्या है, तो दोस्तों सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि जो मौलिक अधिकार है ये 1215 ईस्वी में एक ब्रिटेन के राजा थे, 1215 ईस्वी में ब्रिटेन के राजा सर जॉन के द्वारा जो वहां के पशुपालक थे उनके लिए एक अधिकार संबंधी राजपत्र जारी किया गया था, यानी कि वहां के स्थानीय लोगों के लिए एक अधिकार पत्र जारी किया, और दोस्तों इसी अधिकार पत्र को कहा जाता है मैग्ना कार्टा कहा जाता है। सबसे पहले अगर बात करें तो ब्रिटेन से इसकी शुरुआत हुई कि वहां के जो स्थानीय लोग थे जो चारागाह वगैरह करते थे या जो पशुपालक थे उनके लिए राजा के द्वारा कुछ विशेष अधिकार दिए गए और उस अधिकार पत्र को जो जारी किया गया था उसे मैग्ना कार्टा के नाम से जाना गया। बाद में अगर देखें फंडामेंटल राइट्स को, तो ये फंडामेंटल राइट्स जो है आपके वो अमेरिकी संविधान में भी शामिल किए गए। इनकी बात करें तो ये कहां पर है आपके अमेरिकी संविधान में भी शामिल है, अमेरिकी संविधान में भी शामिल है। ये कुछ आपको हिस्टोरिकल चीजें याद रखनी है, खासकर ये शब्द याद रखना है मैग्ना कार्टा। यहां सवाल पूछ लिया जाता है अक्सर कि भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, काफी बार सवाल आया हुआ है। तो यहां हम लोग देखें कि भारतीय संविधान के किस भाग को, तो हम कह सकते हैं मौलिक अधिकार जो है भाग 3 जो है इसे संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। क्यों कहते हैं उसका आंसर अभी हमने दिया कि 1215 ईस्वी में ब्रिटेन के राजा के द्वारा एक अधिकार पत्र दिया गया था जिसे मैग्ना कार्टा कहा गया था। नेक्स्ट दोस्तों अगर बात करें हम लोग कि जो मौलिक अधिकार है, तो आपके मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स जो हैं इनकी बात करें, अभी हम लोग वो चीज डिस्कस कर रहे हैं जो बेसिक है, लेकिन यहां हर पॉइंट से कोई ना कोई सवाल आपको एग्जाम के अंदर मिलेगा। दोस्तों अभी तक हमने बात करी उसके बाद देखें कि जो मौलिक अधिकार हैं इन मौलिक अधिकारों की देखें, तो दोस्तों मौलिक अधिकारों के उल्लंघन संबंधी बात कर लें, तो मौलिक अधिकारों के उल्लंघन संबंधी जो बात करें हम लोग कि अगर आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो उल्लंघन होने पर आप न्यायालय जा सकते हैं, और अगर न्यायालय जा सकते हैं तो
तो इस न्यायालय जाने के दो तरीके हैं। वो दो तरीके क्या हैं देखो, नंबर एक, आप अनुच्छेद अभी पढ़ेंगे आगे 32 के माध्यम से और अनुच्छेद 226 के माध्यम से, आर्टिकल्स 32 का प्रयोग करके दोस्तों आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और आर्टिकल 226 का प्रयोग करके आप हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय जा सकते हैं। हाई कोर्ट और उच्च न्यायालय को दोनों को इससे संबंधित रिट जारी करने का क्या है, अधिकार है। इसलिए कहा जाता है कि अगर आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जा सकते हैं आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के माध्यम से। इसलिए मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर आप न्यायालय जा सकते हैं। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि जो आपके मौलिक अधिकार है ये मौलिक अधिकार न्यायोचित हैं। कैसे है ये न्यायोचित हैं, ये प्रवर्तनीय हैं। कैसे हैं, प्रवर्तनीय हैं, यानी इनके उल्लंघन पर आप न्यायालय जा सकते हैं। तो न्यायोचित है प्रवर्तन। और हम बात करें दोस्तों ये वाद योग्य हैं, इनको लेकर के वाद योग्य यानी विवाद भी हो सकता है। तो ये तीन बात याद रखेंगे, न्यायोचित है, प्रवर्तनीय है, यानी इनका अगर ये लागू नहीं हो रहे हैं तो आप इनको लागू करवाने के लिए न्यायालय जा सकते हैं, वाद योग्य है। तो ये बात उनको ध्यान रखनी है मौलिक अधिकार संबंधित। नेक्स्ट बात करें, अगर आपसे पूछ लेता है क्या मौलिक अधिकार संशोधनीय है, तो आप कहेंगे संशोधनीय है, इसलिए संशोधन करने का अधिकार जो है ये अधिकार दिया गया है किसको, संसद को। और इस संसद के द्वारा अगर आपसे पूछ लेता है कि मौलिक अधिकारों में संशोधन किया गया तो कब किया गया, दोस्तों याद रखेंगे 44वां संविधान संशोधन, 44 संविधान संशोधन जो था 1978। अभी आगे पढ़ेंगे इसको डिटेल में, बस मैं इतना सा ही आपको बता रहा हूं कि ये संशोधनी है, अधिकार किसको है, संसद को। संसद आर्टिकल 368 का प्रयोग करके, आर्टिकल 368 का प्रयोग करके इसमें संशोधन कर सकती है। और दोस्तों ध्यान रखेंगे 44वां संविधान संशोधन 1978 मौलिक अधिकारों में संशोधन किया गया। क्या किया गया अभी आगे पढ़ेंगे, यानी कि मौलिक अधिकार के उल्लंघन पर आप सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जा सकते हैं, न्यायोचित है, प्रवर्तनीय है, वाद योग्य है, संशोधन कर सकते हैं। कौन कर सकता है, संसद के द्वारा। फिर हमने देखा कि जब संसद ने कभी संशोधन किया है या नहीं किया गया, तो एक तो ध्यान रखना है 44वां और एक और ध्यान रख लेंगे 86वां संविधान संशोधन, संशोधन और 2002। एक और दोस्तों याद रख सकते हैं इसमें, अगर हम बात करें, मैं यहां लिख देता हूं एक और आप संशोधन याद रख सकते हैं, वो संशोधन कौन सा है देखो, एक याद रख सकते हैं 97वां संविधान संशोधन 2011। अभी बात करेंगे कि इनसे क्या जोड़ा गया, तो ये प्रमुख तरीके से और अक्सर पूछे जाने वाले संशोधन है तीनों, 44, 86, 97, जिनके माध्यम से फंडामेंटल राइट्स में किस अनुच्छेद में क्या बदलाव किया गया आगे हम पढ़ेंगे दोस्तों। अभी हम इतना डिस्कस कर रहे थे कि ये संशोधनी है, संशोधनी है तो कब किया गया, किसके द्वारा कर सकते हैं, संसद के द्वारा। इसकी छोड़ लेना है तो आप ले सकते हैं। आगे का दोस्तों हम बात करें यहां से, तो नेक्स्ट अगर हम बात करने वाले हैं कि जो आपके मौलिक अधिकार है, मौलिक जो अधिकार है, मौलिक अधिकार, अभी हमने देखा कि मौलिक अधिकार में जो संशोधन की प्रक्रिया थी, यह संशोधन किसके द्वारा किया जाता है, संसद के द्वारा। संशोधन संसद करती है, आपसे पूछे किस अनुच्छेद के माध्यम से, 368 के माध्यम से। फिर देखो आगे पढ़ने के हवाले हम लोग इसमें, अभी मैंने जो तीन उल्लेख किए थे किसमें संशोधन जो है वो कब कब किए गए, फर्स्ट नंबर अगर बात करें दोस्तों 44वां संविधान
संशोधन 1978 जब ये 1978 में संशोधन किया गया था, उस समय पर अगर देखें तो उस समय पे जनता पार्टी की सरकार थी, मुरारी देसाई भारत के प्रधानमंत्री थे, उस समय पर यह संशोधन किया गया था। इसके माध्यम से क्या किया गया, देखो कि जो संपत्ति का अधिकार था, अब संपत्ति का जो अधिकार था यह व्यक्ति का मौलिक अधिकार था, इस संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया, या समाप्त न कह करके संविधान की भाषा में लिखें निश्चित कर दिया गया। निश्चित किया गया, इसका मतलब है कि इस मौलिक अधिकार जो था, संपत्ति का अधिकार, यह कहां था? आप कहेंगे कि इसका उल्लेख था अनुच्छेद 31 और अनुच्छेद 19 का पहले का ई, और जैसे इसको निश्चित किया गया इसका मतलब है ये दोनों आर्टिकल निश्चित हो गए। कभी पूछ ले कि 44वें संविधान संशोधन के द्वारा किस मौलिक अधिकार को समाप्त किया गया था, आप कहेंगे संपत्ति के अधिकार को। ये पहले मौलिक अधिकार हुआ करता था लेकिन इसे समाप्त कर दिया, किस आर्टिकल को किया गया, आर्टिकल 31 और आर्टिकल 19 के पहले का ई, दोनों निश्चित हो जाते हैं। इसके बाद बदलाव क्या हुआ, इसके बाद इस संपत्ति के अधिकार को, इस संपत्ति के अधिकार को, इस संपत्ति के अधिकार को आर्टिकल 300 ए के तहत, 300 ए में एक कानूनी या विधिक अधिकार बना दिया। इसलिए पूछ लेता है कि वर्तमान में यह संपत्ति का अधिकार कहां पर है, तो आप कहेंगे आर्टिकल 300 के में या 300 के ए में है, जहां यह एक कानूनी या विधिक अधिकार है। कानूनी या विधिक अधिकार से सवाल काफी बार पूछा गया है, तो यह इंपोर्टेंट भी है, यह संशोधन भी इंपोर्टेंट है, ध्यान रखते चलेंगे। और यह बात भी इसलिए पूछ लेता है कि वर्तमान में संपत्ति का अधिकार है मौलिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार, विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार, इस तरीके से हम, या मौलिक अधिकार, तो इस तरीके से ध्यान रखना है कि वर्तमान में ये कानूनी या विधिक अधिकार है। नंबर दो, हमने बात करी दोस्तों 86वां संविधान, 86वां संविधान संशोधन। मैं इनको एक साथ इसलिए पढ़ा रहा हूं जिससे कि आप यहीं पे इनको समझ सकें, 2002 इसके द्वारा क्या किया गया, देखो इसके द्वारा अनुच्छेद 21 का के या ए जोड़ा गया, और इसमें प्रावधान किया गया था कि 6 से 14 वर्ष के बालकों को निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। इसलिए इसको कब जोड़ा गया ये पूछ ले, तो आप कहेंगे 86वां संविधान संशोधन 2002, इसके द्वारा 6 से 14 वर्ष के जो बालक थे इन बालकों के लिए निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान मौलिक अधिकार बना दिया गया। 86वां अमेंडमेंट एक्ट था 2002 के अंदर। यहां हमने बात करी 44वां, यहां 86वां। इसके बाद एक अमेंडमेंट और है जो हमने पढ़ा, वो आपका संशोधन था 97वां संविधान। देखो मैं आपको जो भी चीजें हैं इस तरीके से आपको मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं जिससे आप आसानी समझ सके और क्वेश्चन आए तो उसे कर भी सके। डायरेक्ट पूछेगा ये कब किया गया, 2011 में। इसके द्वारा आपको ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 19 के पहले का सी, मैं सिर्फ मौलिक अधिकार संबंधी बदलाव बता रहा हूं, बाकी और भी बदलाव हो सकते हैं इन संशोधनों के द्वारा। इसमें, या हम कहें 19 के पहले के सी में, सहकारी
सहकारी समिति को जोड़ा गया, यह भी ध्यान रखना है। ये कुछ प्रमुख अमेंडमेंट थे जो हमने डिस्कस किए दोस्तों। यहां हमने देखा था 44, 96, 97 मैंने आपको यह बताया कि इनके द्वारा क्या बदलाव किए गए मौलिक अधिकारों के अंतर्गत। दोस्तों इसके बाद अगर हम बात करें कि जो मौलिक अधिकार हैं, इन मौलिक अधिकारों संबंधी और क्या क्या तथ्य अपने बनते हैं, फिर हम डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं इनको। सबसे पहले दोस्तों देखें कि जो मौलिक अधिकार है, ये अगर आपसे पूछ लेता है कभी कि मूल संविधान में, अगर मूल संविधान की बात करें तो मूल संविधान में कुल कितने प्रकार के थे, दोस्तों आप कहेंगे 7 प्रकार के। और यदि वर्तमान की बात कर लें तो वर्तमान में जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं ये कुल कितने प्रकार के हैं, 6 प्रकार के। अगर आपसे कह रहा है कि मौलिक अधिकार मूल संविधान में कितने थे तो 7। दोस्तों अगर पूछ रहा है कि मौलिक अधिकार वर्तमान में कितने हैं तो आप कहेंगे 6। इसका मतलब है कोई एक मौलिक अधिकार बीच में हटा दिया गया, अभी पढ़ के आए हम लोग, और वो आपको ध्यान रखना है कि फिर मैं लिख देता हूं 44वां संशोधन, याद रखना है 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया। इसे क्या कर दिया, समाप्त। इसलिए वर्तमान में कितने बचे, 6। तो अगर वर्तमान में आपसे पूछ लेता कितने हैं, 6, कौन कौन से हैं, देखो अगर वर्तमान में मौलिक अधिकार 6 है और वो 6 कौन कौन से हैं, अगर ये बात हम लोग करने वाले हैं तो वो 6 आप देखो कौन कौन से हैं। अगर उन 6 की बात करें हम दोस्तों कि वो 6 आपके कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं, अगर ये सारी बात हम करने वाले हैं कि वो आपके 6 कौन कौन से मौलिक अधिकार, एक 6 मौलिक अधिकार है कौन कौन से, एक मिनट में स्लाइड ले लेता हूं, फिर हम इसके डिस्कस करेंगे कि जो 6 मौलिक अधिकार हैं वो 6 कौन कौन से। देखो यहां हम बात करने वाले हैं मौलिक अधिकारों के बारे में। देखो कलर चेंज कर लेते हैं, देखो यहां हम बात कर रहे हैं मौलिक अधिकार, कुल मौलिक अधिकार जो है वो कितने हैं, तो आप ध्यान रखेंगे यहां पे कि कुल मौलिक अधिकार हैं 6। देखो यहां लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं, यानी कि मौलिक अधिकार। अब ये कुल मौलिक अधिकार जो है वो आपके 6। अगर वर्तमान में हम देखें कि कुल मौलिक अधिकार कितने प्रकार के हैं तो आप कहेंगे कुल मौलिक अधिकार हैं 6 प्रकार के। प्रकार कौन कौन से हैं, मैं यहां एक कॉलम बनाता हूं कि अगर फर्स्ट हम बात करें दोस्तों तो पहला आता है समता का अधिकार, पहला मौलिक अधिकार है समता का अधिकार, जिसे समानता का अधिकार भी कहते हैं। इसका उल्लेख अगर पूछेगा कि समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर के और कहां तक है, 18 तक, ये दो बात याद रखें, समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर के और कहां तक इसका उल्लेख है, तो आप कहेंगे इसका उल्लेख है 14 से 18 तक। नंबर दो में अगर बात करें कि नंबर दो में कौन सा आता है, तो नंबर दो में आता है स्वतंत्रता का अधिकार। और स्वतंत्रता का जो अधिकार है ये कहां से कहां तक है,
अगर स्वतंत्रता के अधिकार की बात करें तो इसका उल्लेख मिलेगा आपको अनुच्छेद 19 से 22 तक, नंबर तीन पर कौन सा अधिकार आता है। देखो नंबर तीन पर अगर हम बात करेंगे दोस्तों कि नंबर तीन पर शोषण के विरुद्ध अधिकार, और शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है इसमें कौन कौन से आर्टिकल्स हैं, इसमें आपको मिलेगा अनुच्छेद 23 और 24। नंबर चार की बात करें, नंबर चार में आते हैं आपके धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है ये स्टार्ट होगा आपका अनुच्छेद 25 से 28 तक। फिर नंबर पांच अगर देखें कि नंबर पांच पे कौन सा आर्टिकल है या कौन सा अधिकार है, तो नंबर पांच पर आता है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। शिक्षा एवं संस्कृति का जो अधिकार है इसमें आपको मिलेंगे अनुच्छेद 29 और 30। नेक्स्ट बचा आपका वो कौन सा है, देखो लास्ट और छठवें की बात करें तो छठवां जो मौलिक अधिकार है उसे कहते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसमें आर्टिकल आपका वो अनुच्छेद है 32। इस प्रकार से वर्तमान में अगर देख लिया जाए कि वर्तमान के अंदर भारतीय संविधान के भाग तीन में छह प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। हमने बात करी कि नंबर एक कौन सा मौलिक अधिकार है आपका, तो नंबर एक में हमने देखा, नंबर एक में हमने बात करी थी समता का अधिकार या समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक। नंबर दो में देखा स्वतंत्रता का अधिकार, कौन सा था ये, स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से लेकर के 22 तक। फिर शोषण का अधिकार 23, 24, 25 से 28 तक में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। फिर 29 और 30 में शिक्षा और संस्कृति का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32। दोस्तों एक बार मैं पूरा रिवाइज कराऊं आपको, देखो शुरू से हम लोग देखें आज हम लोगों ने क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने देखा कि पिछली क्लास में हम किस किस चीज को पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हमने बात करी कि आज का टॉपिक जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम के अंदर मेरे प्यारे छात्रों कहीं ना कहीं से सवाल आपके सामने आएगा। सवाल कुछ भी हो सकता है लेकिन मैं जहां तक कोशिश करूंगा कि स्लाइड से आपको 90% से अधिक सवाल आने के पूरे पूरे चांस है, इसकी मैं गारंटी ले रहा हूं। इतना आप याद कर लेते हैं तो आपके एग्जाम के अंदर जो आप तैयारी कर रहे हैं रेलवे एसएससी वगैरह की, वह आपका सवाल यहां से आ जाएगा। मौलिक अधिकार में दोस्तों हमने बात करी सबसे पहले कि मौलिक अधिकारों का संवैधानिक प्रावधान क्या है, तो हमने पढ़ा भाग तीन में इनका उल्लेख है अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक, ये 24 आर्टिकल्स हैं। संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ये दो प्रकार की प्रवृत्ति रखते हैं, कुछ मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को हैं, वो 15, 16, 19, 29, 30। कुछ मौलिक अधिकार दोस्तों ऐसे भी हैं जो नागरिकों के साथ साथ गैर नागरिकों को भी है, यानी जिसके पास भारत की सिटीजनशिप नहीं है उनको भी मिले हुए हैं। इसके बाद दोस्तों हमने देखा कि सबसे पहले अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसका बैकग्राउंड देखा हिस्टोरिकल कि 1215 में एक ब्रिटेन के राजा सर जॉन के द्वारा वहां के जो पशुपालक वगैरह थे उनके लिए एक अधिकार पत्र जारी किया जिसे मैग्ना कार्टा कहा गया, इसीलिए इसे भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। फिर अमेरिकी संविधान में भी इसको लागू किया गया, स्पेन में भी है, फ्रांस में भी है, कई सारे देशों में इनको लागू किया गया। मौलिक अधिकार जो है, फंडामेंटल राइट्स जो है, अगर कोई आपके मौलिक जो अधिकार है इन मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है तो आप उल्लंघन के आधार पर न्यायालय जा सकते हैं, इसलिए न्याय उचित है।
प्रवर्तनीय है, लागू करवा सकते हैं और वाद योग्य भी है। तो यहां हमने देखा आर्टिकल 32 का प्रयोग करके सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और आर्टिकल 226 का प्रयोग करके हाई कोर्ट जा सकते हैं। फिर हमने देखा संशोधनी, हाँ बिल्कुल, आर्टिकल 368 के द्वारा संसद इसमें संशोधन कर सकती है। मेजर जो संशोधन है वो हमने तीन पढ़े, 44वां, 86वां और 97वां। छोटी मोटी बातें सुप्रीम कोर्ट इनमें समय समय पर करता रहता है। फिर हमने बात करी कि जो मौलिक अधिकार है इसमें 44वें संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया और इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया, और 86वें के द्वारा आर्टिकल 21 का ए जोड़ा गया जिसमें 6 से 14 वर्ष के बालकों को निशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया। 97वें के द्वारा 19 के पहले के सी की भाषा में सहकारी समिति को भी शब्द को जोड़ा गया। फिर हमने बात करी मौलिक अधिकार मूल संविधान में 7 प्रकार के थे, जो 44वें के द्वारा संपत्ति को हटा दिया गया, वर्तमान में 6 है। और एक सवाल मैं यही लिख देता हूं, अगर आपसे पूछ ले सुप्रीम कोर्ट को, ये सवाल भी कभी आ जाता है, मान लो अब इस तरीके के सरल सवाल नहीं आते हैं, फिर भी किसका संरक्षक किसे कहा जाता है, आप कहेंगे मौलिक अधिकार के संरक्षक सुप्रीम कोर्ट। यह हमने पढ़ा 6 कौन कौन से, नंबर 1 पढ़ा समता का अधिकार आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक, नंबर 2 स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर 22 तक, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24, फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25-26-27-28, उसके बाद शिक्षा संस्कृति का अधिकार 29-30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32, यानी 31 को यहां से किसका दिया गया, जो आपके संपत्ति का अधिकार था। इस प्रकार से ये बेसिक चीजें हमने पढ़ी जो मौलिक अधिकार संबंधी। दोस्तों इसके बाद और भी आर्टिकल्स हैं, आप सोचें 14 से पहले भी आर्टिकल आते हैं, यहां 12 और 13 को नहीं लिखा है यहां, और 32 के बाद भी आते हैं 33-34-35, वहां कुछ विशेष प्रावधान है। जैसे आर्टिकल 12-13 पढ़ेंगे तो वहां कुछ अलग प्रावधान मिलेंगे। इधर 33 के बाद जो अपनी आर्टरी होती है, यानी हम जो बात करें आपका जो कैंटोनमेंट एरिया होता है, सैनिक छावनियां होती है, अर्धसैनिक बलों वाले क्षेत्र होते हैं, उन संबंधित कुछ प्रावधान है। कानून बनाने की शक्ति संसद को दी गई है, ये आर्टिकल 35 के अंतर्गत है। तो ये सारी बातें डिटेल्स में हम लोग नेक्स्ट क्लास के माध्यम से पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे।